और महाराष्ट्र का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पूर्व संध्या को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष नेता को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ सत्ताधारी शिंदे गुट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विज्ञापन पर सरकार जमकर खर्च कर रही है, ग्रामीण विकास के लिए राशि का वितरण नहीं किया गया है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है। अजीत पवार ने आलोचना की है कि यह फंड वापस चला जाएगा, साथ ही पिछले चार माह में मुख्यमंत्री के वर्षा आवास पर खाने का बिल 2,38,00,000 रुपए आया है। शुरू होने वाला है, उसके बारे में आज अपोजिशन वालों ने मीटिंग ली, उसमें सब महाविकास आघाड़ी के मेंबर उपस्थित थे और उन्होंने ये तय किया है कि हमारे जो शेतकरी है, हमारे कष्टकरी है, महिला है, स्टूडेंट है, युवा शक्ति है, युवक युवती, बैकवर्ड क्लास हो, ट्राइबल क्लास हो, माइनॉरिटी क्लास हो, ये सब ओबीसी हो, ये सब जो लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको न्याय देने के लिए जो भी इशू है वो इशू हम ये अभी बजट अधिवेशन में